कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी मुंडी अगर अभी मैं नीचे करा दूं तो पूरा उतार सकते हैं बिना ऊपर देखे। ये हैबिट होनी चाहिए। दिस इज शियर नॉनसेंस, दिस इज वेस्टिंग योर टाइम। आधे बोर्ड पे लिखा है ना, वो आपकी एक बार में उतारने की आदत होनी, इट इज नॉट ईजी। तो जब तुम नीचे दिमाग करके इसको लिखना चालू करा, क्या दिमाग पे जोर डालना पड़ा? मुझे बताओ, एडवांस का पेपर देखा है? देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा है तो देखिए, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ द वर्ल्ड, जेईई एडवांस का पेपर, देश का नहीं, देश का तो टफेस्ट है ही, दुनिया के वन ऑफ द टफेस्ट पेपर में से एक है। सिर्फ टीचर का रोल यहां पर है। कई बच्चे आते हैं, सर क्लास में तो सवाल हो जाता है, ऐसे एग्जाम में होता ही नहीं। तुम भी ऐसे पढ़ने पे कई बार सवाल, ऐसे पढ़ने का कोई फायदा, क्या फायदा ऐसे पढ़ने का? अभी तो मोटिवेट कर रहा हूं, मैं रोज फोड़ दूंगा। अरे होगा क्या, उससे फोड़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। 44 इयर्स के PYQs उठा और उनके सॉल्यूशन दे। हमारी पढ़ने की प्रक्रिया क्या, आप एक बात समझो, हम आपको इतनी मोटी मोटी शीटें दे रहे हैं, अरे दे रहे कि नहीं दे रहे? हम आपको नोट्स भी दे सकते हैं। अगर आप शीट के आगे देखो तो शीट के आगे पूरी थ्योरी लिखी हुई है। फिजिक्स में अगर आप देखो तो शीट के आगे पूरी थ्योरी लिखी हुई है, मेरे ही नोट्स हैं, वो किसी किताब में नहीं मिलाई हो। फिजिक्स में तो स्पेशली जितनी भी आपको थ्योरी दिखाई दे रही है वो मेरे खुद के नोट्स हैं, जिनको हमने टाइप करा के दिया है आपको। अगर हम आपको नोट्स दे दे और टीचर आके पढ़ा दे, क्या 6 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा? अरे हाँ ना बोले यार। फिर भी हर साल हम आपको लिखवाते हैं। लिखवाते कि नहीं लिखवाते? क्यों लिखवाते हैं? ताकि आपको याद। अरे हम क्लास में क्यों लिखवाते हैं? ताकि आपको याद। ये रियल प्रक्रिया है। अब इसमें गड़बड़ कहां है ध्यान से सुनना, इसमें गड़बड़ कहां है ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि सर ने लिखा N2 प्लस O2 NO2, तो इक्वेशन लिखी ठीक, हाँ बैलेंसिंग नहीं कर रखी मैंने, गलत लिख दी, मेरी केमिस्ट्री के पीछे पड़ रहा। हे भगवान, तेरी बीवी से तेरी केमिस्ट्री बिगड़ जाए, मास्टर की बुराई। हाँ ऐसे तो नहीं घर जाके बोलोगा, अरे यार एनवी ने बहुत पकाया आज। पीछे कई लोग कह रहे हैं कुछ भी हो समझ आए नहीं है, मजा बहुत आ रहा। ये देखो तो N2 प्लस O2, आप पॉइंट को समझे। अब जैसे मान लीजिए कि आदित्य ने या अमन ने इस रिएक्शन को उतारना चालू करा। अच्छा टीचर एक रिएक्शन तो नहीं लिखता, मैंने आधा बोर्ड भर रखा है। मैं आपसे कह रहा हूं जो मैंने लिखा हुआ है इस आधे बोर्ड में, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी मुंडी अगर अभी मैं नीचे करा दूं तो पूरा उतार सकते हैं बिना ऊपर देखे। ये हैबिट होनी चाहिए। मैक्सिमम बच्चे कैसे उतारते हैं? N2 प्लस O2 एरो। दिस इज शियर नॉनसेंस, दिस इज वेस्टिंग योर टाइम। अरे यस और नो? दिस इज वेस्टिंग योर टाइम। ये शियर वेस्टेज ऑफ टाइम है, शियर वेस्टेज, ये शियर वेस्टेज है टाइम का। ऐसे नहीं करना है। अगर आप इतना बड़ा बोर्ड है, आपकी मैक्सिमम क्लासेस इन्हीं रूम्स में लगेंगी, इतना बड़ा बोर्ड है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स जो भी टीचर आ रहा है उसने जो आधे बोर्ड पे लिखा है ना, वो आपकी एक बार में उतारने की आदत होनी। इट इज नॉट ईजी, इट इज नॉट। जब मैं कह रहा हूं ना कि घर पे जाके अगर 1.5 घंटा दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, इसका मतलब आपको लेक्चर याद क्योंकि आपने लेक्चर ढंग से पढ़ा, क्योंकि आप ऐसे उतारते हो। अगर आप ऐसे उतारते हो जैसे मैंने बोला N2 प्लस O2 प्लस गिव्स यू NO2, अगर आप ऐसे उतारते हो तो फिर इससे बेहतर था कि आप नोट्स ही ले लेते। क्या मेरी बात क्लियर है? तो क्लास में उतारने की प्रक्रिया, हो सकता है आप अभी तक ऐसे उतारते हो, आप ऐसे उतारते हो जैसे मैं कह रहा हूं। अगर आप ऐसे उतारते हो तो आप बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हो। अब खुद ईमानदार सोचो, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस बोर्ड का 80% कितने लोग ऐसे हैं, इसको 30 सेकंड देखो, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है देखो, बोर्ड को 30 सेकंड दे रहा हूं, 1 मिनट दे रहा हूं, ध्यान से देख लो, उसके बाद सबकी मुंडी नीचे होगी और इसी जो बोर्ड में लिखा हुआ है मैंने उसको उतारेंगे सोच के अपनी भाषा में। मैं नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट वर्ड्स उतारे, पर जो मैंने बोला है जो बोर्ड में लिखा है वो आपको आना। 1 मिनट देखिए जो बोर्ड में लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या बोला था, उसके बाद क्या बोला था, उसके बाद क्या बोला था, उसको उतारना चालू कर दो। जिसको लगे कि मैंने समझ लिया है, उसके एक बार में उतारोगे, मुंडी नीचे करने की मतलब ऊपर करने की जरूरत, कसम है तुम्हें IIT की, देखते कितना याद होता है, देखते तुम्हारी कैपेबिलिटी बिल्ट होगी उससे। याद करो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, वो बताया था है ना, उसको लिखो।
ऐसे हेडिंग डालो प्रक्रिया फॉर सीपीएस, देखते हैं तुम्हें कितना याद है। फिर लिखो वन मंथ अचीवमेंट और इस पूरी कहानी को लिखो, देखते हैं तुम्हें कितना याद है एक बार में। मुंडी ऊपर नहीं होनी, मुंडी ऊपर नहीं होनी है। समय है तुम्हारे पास 3 मिनट, उसके बाद पूछूंगा कितने परसेंट लिख पाए, जो बोर्ड पे लिखा है उसका कितने प्रतिशत लिख पाए, उसको समझ के कितना लिख पाए, अपने शब्दों में सब लिख सकते हो। जब नोट्स उतारे जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि टीचर की लैंग्वेज लिखें, वो लैंग्वेज लिखें जो हमें समझ आई है। हाँ देखो इतने अच्छे से लिखा है, शाबाश। लिख लिया क्या? लिख लिया क्या? मुंडी ऊपर करो और ध्यान से देखो तुमने कितना परसेंट छोड़ दिया है, और ये सोचो कि जो तुमने लिखा है उसको अगर 2 महीने बाद पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा, या जो आज मैंने समझाने का प्रयास करा वो तुम्हें समझ आएगा नहीं आएगा। मैंने जो एग्जैक्ट लिखा है वो बोलने, क्या सीपीएस जो हम बना रहे हैं ये पूरी फॉर्मेट क्या सीपीएस की थी? क्या 2 महीने बाद सीपीएस के बारे में सोचोगे और इसे पढ़ोगे क्या समझ आएगा? 1 महीने में क्या अचीव करना था, होमवर्क कैसे करना चाहिए, कैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्या ये कहानी तुम्हें समझ में आएगी? और एक बार में मुझे ईमानदारी से बताओ, जब तुम नीचे दिमाग करके इसको लिखना चालू करा क्या दिमाग पे जोर डालना पड़ा? अरे यस और नो, अगर तू सिर्फ ऊपर कर करके देख लेता तो ये दिमाग पे जोर, अब तूने जो दिमाग पे जोर डाला ना इसने तेरे दिमाग में पूरी चीज रजिस्टर, अब तुझे अभी यार घर जाके इसको पढ़ने की जरूरत? अरे बोलो यस और नो। क्या ये सिर्फ एनवी सर की क्लास में होगा? नहीं, ये हर क्लास में होगा। ये हो सकता है कोई टीचर आपको बोले, कोई टीचर ना बोले, पर क्या ये प्रक्रिया काम की है? यार आवाज नहीं आ रही, यस और नो। फिर मैं कह रहा हूं आज मोटिवेट करने नहीं है आपको, मैंने 1.5 घंटे मोटिवेट नहीं करा आपको, मैंने आपको काम की बातें बताई और लॉजिकल बताई है। क्या पढ़ने की और लेक्चर लिखने की प्रक्रिया समझ में आई है? अरे यस और नो, ध्यान समझो। हमने आज सीखा सीपीएस कैसे काम करती है, हमें 1 महीने में क्या अचीव करना है, हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना आना, कैसे हम अपना होमवर्क रोज डिवाइड, इतने में से इतने सवाल होंगे तो क्या करना है, इतने में से इतने होंगे तो क्या। पिक्चर एकदम क्लियर है? क्या आज का लेक्चर वेस्ट है कि काम का है? काम का है। दो बातें और बताता हूं, 5 मिनट और हैं, ध्यान से सुनिएगा 5 मिनट, और दोनों बातें काम की है। तुम्हें शुरुआती दौर में, क्योंकि तुम 11वीं 12वीं के परिवेश से आए हो, तुम्हें समस्याएं आएगी। मुझे बताओ एडवांस का पेपर देखा है? देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा है तो देखिए, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ द वर्ल्ड, जेई एडवांस का पेपर, देश का नहीं, देश का तो टफेस्ट है ही, दुनिया के वन ऑफ द टफेस्ट पेपर में से एक है जो जेई एडवांस का पेपर होता है। इसलिए इतने सारे बच्चों में से उसकी कट ऑफ बहुत, और इसलिए आईआईटीएंस पता नहीं कहां कहां पहुंचते हैं, ये भी सच्चाई है। इस पॉइंट में समझिए, उसकी उसका किसी भी सवाल का अगर आप रियलिटी में सोचे, ध्यान समझना, मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूं जो मैं पिछले 5 साल पहले मैंने करा था, जो मैं आपको बताता हूं, सुनना अच्छे से। मैंने क्या करा, सिंपल एक ऐसे डायग्राम बनाया, 2 kg रखा यहां पे, म्यूकियली पॉइंट 2 दी, ऐसे फोर्स लगाया 20 न्यूटन, ठीक, और पूछ लिया एक्सेलरेशन क्या है, ये एंगल 37 डिग्री दे दिया। जब आपको फ्रिक्शन पढ़ा दिया जाएगा, ये कोई सवाल बिल्कुल टफ हो सकता है, कहीं से अभी भी आता हो, अरे हाँ ना बोल यार, ये बिल्कुल टफ सवाल नहीं है। मैंने ये सवाल दिया और ऐसे ए लिखा और पूछा ए क्या है, और एग्जाम में सवाल दिया। 2 बैच थे, बिल्कुल आप जैसे, बिल्कुल सिमिलर लेवल के, ऐसा नहीं एक टॉपर एक लोअर, दोनों नॉर्मल बैच। उसमें एक में सवाल दिया, जब ये सवाल दिया तो बच्चों ने ए निकाल दिया, 80% का ये सही हुआ। कितने का? कितने का? 80%, 85% सही करा सवाल, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे बैच में मैंने सवाल ऐसे नहीं दिया, सवाल यही दिया पर मैंने अलग तरीके से दिया, मैंने लैंग्वेज में दिया, अ 2 kg ब्लॉक इज प्लेस ऑन अ सरफेस वेयर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। दैट इज द सेम क्वेश्चन, दैट 80% ड्रॉप्स टू 50%, इट्स अ फैक्ट दैट 80% ड्रॉप्स टू। अब बताओ क्या उन बच्चों को जिन्होंने गलत करा उन्हें सवाल नहीं आता था, उन्हें क्या नहीं आता था?
क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना। अरे यार क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना नहीं आता था उनको। इसमें टीचर की कोई गलती? पहली स्टेप क्या है किसी भी सवाल की? क्वेश्चन को पढ़कर समझना। ये सबसे पहली प्रक्रिया। इसमें टीचर का रोल नहीं है। अगर तू ये नहीं कर पाया, इसके जब क्वेश्चन को पढ़कर समझ जाएगा तभी तो उसमें कॉन्सेप्ट लगाएगा। अरे यस और नो? उसके बाद आएगी कैलकुलेशन। हो सकता है कैलकुलेशन ना हो अगर इनऑर्गेनिक हो तो, या कुछ और हो तो। सिर्फ टीचर का रोल यहां पर है कि उसने आपको कॉन्सेप्ट कितना अच्छा पढ़ाया या आपको कितना अच्छे से। जे एडवांस में हो सकता है कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट हो, ये उसकी भी टेक्निक अलग है, बाद में बोलूंगा। अब समझो अगर आप यही गलत हो गए तो आपका कुछ होने वाला। कई बच्चे आते हैं, सर क्लास में तो सवाल हो जाता है, सर एग्जाम में होता ही नहीं। हर बच्चे की समस्या अलग है, हर बच्चे की समस्या अलग है। वो बोलता है सर मेरे क्लास में तो सवाल हो जाता है पर एग्जाम में। क्लास में क्योंकि टीचर सवाल ऐसे देता है। अरे यार क्लास में टीचर्स अवॉइड टू डिक्टेट अ एंटायर लैंग्वेज। यस और नो? दे ट्राई, दे एक्सप्लेन यू ऑलरेडी द क्वेश्चन। यस और नो? यानी कि आपकी उस कैपेबिलिटी को जज नहीं हो रहा है क्लास में। क्लास में टीचर का ध्येय क्या है? आपको समझाए कॉन्सेप्ट। क्या समझाए? उसको अभी इस बात पे फोकस नहीं है कि तू सवाल पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा। वो आपकी इस बात की कैपेबिलिटी को खा जाता है। क्योंकि जब एग्जाम में सवाल आता है ना, आज अगर मैं तुम्हें ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें पता है कि सर ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे, या मैं सब तुम्हें अभी शुरुआत में प्लेन मिरर पढ़ाऊंगा, एक बेसिक टॉपिक, बिल्कुल प्लेन मिरर, बस उतना पढ़ाऊंगा। जब प्लेन मिरर पढ़ाऊंगा तुम्हें पता है सर प्लेन मिरर पढ़ा रहे हैं, बोलो यस और नो? आधी चीज तो वैसे खत्म हो गई। जब सवाल आएगा तो खुद को जज करना पड़ता है कि फिजिक्स का सवाल है, ऑप्टिक्स का सवाल है, उसमें भी प्लेन मिरर का सवाल है। अरे यस और नो? तो आप उस साइलो में पहुंच चुके होते हो। क्लास में आप पहले से उस साइलो में होते हो। जब आपके पास सवाल आता है एग्जामिनेशन में तो आपको उस साइलो तक पहुंचना। साइलो समझते हो ना? अपने दिमाग में बकेट्स बनी हुई होती हैं। फिजिक्स की बकेट, फिजिक्स में चैप्टर की बकेट, उसी सब टॉपिक की बकेट, इस तरीके के सवालों की बकेट, ये बनी बन जाती है, जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं हम। उस तक पहुंचने की प्रक्रिया टीचर खत्म कर देता है क्लास में, क्योंकि उस समय आपको पता होता है कि कौन से सब्जेक्ट का टीचर है, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है, कौन सा सब टॉपिक पढ़ा रहा है। अरे फिर मेरी बातें तुम्हें समझ नहीं आ रही? ये कैपेबिलिटी बिल्ड करना आवश्यक है। इसमें दो प्रक्रिया फिर है कि आपको सवाल रफ्तार में पढ़ के समझने की आदत होनी। फिजिक्स की शीट है किसी के पास? फटाफट दो, बात समझा दो मैडम। फिजिक्स कुछ भी दे दो, क्या है, मिला है? डेली प्रैक्टिस शीट, ज्योमेट्री प्रैक्टिस, अच्छा मिला है तुम्हें। मान लीजिए कोई भी सवाल पढ़ता हूं, ध्यान समझिए। A point source of light B is placed at a distance L in front of the center of the mirror of width D hung vertically on a wall. A man walks in front of the mirror along a line parallel to the mirror at a distance 2L from it, it as shown in the figure. The greatest distance over which he can see the image of the light source in the mirror is. समझ आया कुछ? तुम भी ऐसे पढ़ लेते हो कई बार सवाल? ऐसे पढ़ने का कोई फायदा? क्या फायदा ऐसे पढ़ने का? What is the point of reading like this? क्या आप सवाल को एक बार में पढ़ के समझ जाते हो या चार बार में? आपकी मिस्टेक है। This is your biggest mistake, that is wasting your time. पहला दिन है आज, इसलिए सारी गलतियां बता रहा हूं। छह महीने बाद सुधारना चालू करोगे, समय लगेगा। पहला एक महीना खुद में सुधार लाना है कि पढ़ा कैसे जाता है। पढ़ तो लेंगे हम, अरे यस और नो? पढ़ा, ये तरीका ही नहीं है पढ़ने का। भले तेज पढ़ लिया मैंने, इसलिए मैंने बोला है क्वेश्चन को पढ़कर समझना। पढ़ना इंपॉर्टेंट। पहली बात तो जितनी रफ्तार में मैंने पढ़ा उतनी रफ्तार में तुम पढ़ ही नहीं सकते। बहुत सारे 90% बच्चे यहां पे उतनी रफ्तार में, पर उतनी रफ्तार में पढ़कर अगर समझना आ गया तो अब कैसे पढ़ना कैसे शुरुआत में? अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बी, इसमें डायग्राम दिया हुआ, ध्यान सुनना, तुम्हें समझ में आएगी बात। ऐसी बात नहीं, डायग्राम है इसके पीछे जो उन्होंने बनाया हुआ है। ये पॉइंट बी, ये एल, ये डी, मैं फटाफट बताता हूं। ये डायग्राम बना हुआ है, क्या है हमें दिखाई दे रहा है? अब ध्यान से उन्होंने क्या बोला, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बी, ये रहा बी। जब तक ये बात समझ नहीं आए हम आगे बढ़ेंगे। इस प्लेस एट अ डिस्टेंस एल इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये रहा एल। अरे यार समझ में आया, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑफ विथ डी, ये रहा डी। अरे हाँ ना बोल यार। हंग वर्टिकली ऑन अ वॉल, समझ आ गया। क्या पहली लाइन क्लियर? क्या पहली लाइन क्लियर? A man walks in front of the mirror along, अब ध्यान सुनना, तुम्हें समझना है इसको। A man walks in
फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग अ लाइन पैरल, ये बन रहा है अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द मिरर. ध्यान सुनिए, अ मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द पैरेलल टू मिरर अलोंग द लाइन पैरेलल टू, इस पे चल रहा है. अरे यार हाँ बात समझ में आई. एट अ डिस्टेंस 2L, ये वाली डिस्टेंस डायग्राम में 2L दे रखी है, यानी कि एक आदमी यहां चल रहा है. क्या सवाल समझ आया? अब उसने जो पूछा वो एक अलग बात है. अरे जब तुम्हें बात समझ ही नहीं आई, अब टीचर जब मैं क्लास में सवाल कराऊंगा तो ये थोड़ी लिखाऊंगा यार, तब मैं पता क्या बोलूंगा, देखो एक मिरर है, ये आदमी चल रहा है, अरे यार, और यहां पे सोर्स है, फिर सवाल पूछूंगा. तो तेरी जो सीख पढ़कर सीखने की प्रक्रिया थी वो तो मैंने, पर एग्जाम में तो ये आनी नहीं आई. बात समझ यार, इसलिए कह रहा हूं हमारा रोल सिर्फ इतना है, ये इसके ऊपर का रोल तुम्हारा और इसके कैलकुलेशन. टीचर कितनी कैलकुलेशन सिखा देगा अगर सवाल में कैलकुलेशन, अगर तुझे सिमिलर ट्रायंगल लगाना नहीं आएगा तो तू ये सवाल कर. तुम्हें मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? फिर से बोलो. डेढ़ घंटे मैंने इलॉजिकल बात बोली कि लॉजिकल बोली? लॉजिकल बोली है. बच्चे ये ज्यादा नहीं सुनना चाहते पर काम की बात है यही है. अभी मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूं, मैं रोज सब फोड़ दूंगा. अरे होगा क्या, उससे फोड़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है. अरे यस और नो, मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा, उससे क्या होगा? कैसे करूंगा ये पता होना, मैं कर लूंगा उसके लिए तो तुम कोटा में बैठे हो. अरे यस और नो, मैं कर लूंगा उसके लिए तुम कोटा में बैठे हो. कैसे करूंगा वो बताना चाहता हूं मैं आपको. अगर ये आपका पोर्शन वीक है ना, अगर आपको लगता है कि आपके कैलकुलेशन, अब किसी का अगर ये वीक है तो उसको पता है क्या पढ़ना चाहिए कि उसे पढ़ के समझ, तो उसको पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी. क्या पढ़नी चाहिए? गाइड्स नहीं. क्या गाइड्स या जो किताबें मोटी मोटी हैं क्या उनमें आसान भाषा में लिखा होता है? हमें वो किताब चाहिए जिसमें सब कुछ लिखा हो पर टफ लैंग्वेज में लिखा हो. ऐसी कौन सी किताब है? कौन है? एनसीईआरटी. क्या हमारे सिलेबस की है? हाँ. क्या हमारे काम की है? हाँ. तो ये पढ़नी चाहिए. अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो हमें क्या करना है? सर परफेक्ट सॉल्यूशन बताता हूं. आज की तारीख में तुझे पता है अगर तेरी कैलकुलेशन वीक है तो पता है मैं बच्चों को क्या बोलता हूं? उसको बोलता हूं कि जे एडवांस के 44 इयर्स के पेपर उठा. सर अभी तो हमारा सिलेबस चालू ही नहीं हुआ. कोई बात नहीं, जे एडवांस के 44 इयर्स के पीवाईक्यूज उठा और उनके सॉल्यूशन देख. क्या देख? क्या देख? मान लीजिए उसमें एक सवाल था कि एक फोटोन गिर रहा है किसी एक पार्टिकल पे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे बताइए कि इसकी कितनी रफ्तार से निकलेगा. ये सवाल तुम्हें इसमें कुछ भी नहीं आता, हो सकता है अभी आया हुआ सवाल है. पर जब इसका कैलकुलेशन होगी तो क्या नीचे कैलकुलेशन है बहुत टफ? अरे यस और नो, तुझे सॉल्यूशन की, बस उस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है. क्या सॉल्व करना है तुझे अभी? सवाल सॉल्व. क्या हम कैलकुलेशन रिलेवेंट सिलेबस की ही कर रहे हैं? क्या उसी स्तर की कर रहे हैं जिस स्तर की आएगी? अरे हाँ ना बोल. तो आज से हमारी कैलकुलेशन सुधरेगी क्योंकि जे एडवांस की कैलकुलेशन आसान नहीं होती. अप्रोक्सीमेशन लगाना आज से सीखना चालू कर दे. फिर से सोचो क्या आज के लेक्चर की इतनी सारी बातें क्या सारी काम की थी? अरे थी कि नहीं थी? क्या इनका अनुसरण करोगे? क्या सेलेक्ट होके बताओगे? गड़बड़ तो नहीं करोगे? खाली मोटिवेशन नहीं, अंदर से मोटिवेशन आएगा. अब एक बात आता, 13th में आपको मुझे या किसी भी अध्यापक को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. मोटिवेशन कहां से आएगा? स्ट्रेटजी बनाएंगे, हर एक चीज लॉजिकल करेंगे. कोई भी बच्चा हमारे पास, टाइम हो गया मेरे हिसाब से, लास्ट बात बोल देता हूं, सुनो ध्यान से. अरे 1:24 हो गई क्या? अरे यार 1:10 तक की क्लास थी, मैं तो टाइम खा गया मैं किसी दूसरे टीचर का. 1:14 हो गया. अरे हाँ 1:14, 2 मिनट सुन लो. कोई भी बच्चा हम, हाँ बोलना, क्या हुआ? क्या चीज? अभी नहीं बनाने शॉर्ट नोट्स? बिल्कुल हमने बना रखा है, शॉर्ट नोट्स हमने बना रखे हैं, फॉर्मुला बुकलेट. तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने की कोई जरूरत? हमें शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं, घर लड़कियों वाली आदत मत पाल लेना. अभी नोट्स जो सर ने लिखा है, घर जाके कलरफुल लिखूंगी. ये बाइज ऐसे नोट्स बनाना जो दूसरा समझ भी. ऐसा नहीं तुम सुंदर सुंदर सजा रहे हो और पीछे वाला सोच रहा है काम तो मेरे ही आएंगे. सेशन एंड हुआ वो निकाल लिया वो तुम्हारी कॉपी.
ध्यान सुनना, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। अच्छा दूसरी बात, कोई भी बच्चा हमारे पास ऐसे नहीं आएगा, ध्यान से सुनना, कि सर फिजिक्स में मेरे नंबर नहीं आ रहे, चांटा लगा दूंगा मैं। कोई भी अगर किसी टीचर के पास चला गया, सर मेरे नंबर नहीं आ रहे, ये वैसी बात है कि तुम डॉक्टर के पास जाओ और बोलो कि सर मैं बीमार हूं। अरे बीमार हो तो क्या सिम्टम है ये तो बताओ। अरे यस और नो, सर मेरे फिजिक्स में नंबर नहीं आ रहे, तो टीचर को टाइम पास करना होगा ना, या किसी भी टीचर के पास जाओ और बोलो सर मेरे नंबर नहीं आ रहे, और उसके टाइम पास करना होगा ना, पता है क्या बोलेगा? बेटा मेहनत कर, हिम्मत रख, पढ़ता रहे, हो जाएगा। तू भी बोलेगा हाँ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मेरे से पूछ ले। तेरे सवाल कैसे जाके पूछने? मेरे पास अगर कोई आएगा या किसी भी टीचर के पास जाएगा तो ऐसे जाएगा, सर ये मेरे 3 पेपर फिजिक्स में ना, सर मैंने ना इस तरीके के सवाल गलत करे और ये गलतियां करी, बताओ क्या करूं? तो टीचर देखिएगा ये बच्चा ना कैलकुलेशन मिस्टेक करता है तो उस तेरे को उसके लिए सॉल्यूशन देगा, ये बच्चा ना ये डाइपोल के सवाल ज्यादा गलत करता है, तेरे को टीचर के पास बीमारी के सिम्टम लेके जाने, बीमार हूं इससे कुछ होने वाला, क्या मेरी बात क्लियर है? अगर हम अपने मेंटोर्स के पास जाएंगे तो सोच समझ के जाएंगे, गड़बड़ करके क्या मेरी इतनी देर? मैं बता दूं, जब से मैं घुसा हूं क्या मैं लगातार बोल रहा हूं? क्या मैं लगातार बोल रहा हूं? अगर मैं तुझे फिजिक्स पढ़ाता ना तो मेरी इससे आधी एनर्जी लगती, क्योंकि मैं आधी देर ही बोलता, आधी देर तो तू लिखता या कुछ करता। अरे यस और नो, मैंने इतनी देर अपनी एनर्जी लगाई, बेकार तो नहीं जाएगी? ईमानदारी से अगले टाइम पे आएंगे तो अपन पढ़ाई चालू करेंगे, तब बातें नहीं करेंगे, तब यही सब करेंगे। क्या आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की आवश्यकता है? क्या अपन स्ट्रेटेजी से काम करेंगे? क्या सब लोग सेलेक्ट होकर बताएंगे? बाकी सब लोग हम आपको पूरा देंगे। क्या मेरी बात लिए? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मेरे लाल, लड़कियों में बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? गॉड ब्लेस यू। तो यहां पे कंप्यूटर लगे हुए नीचे, कंप्यूटर लगे हुए नीचे, किसी के पास अगर डिवाइस ना हो कोई ऐसा है, नीचे कंप्यूटर लगे हुए हैं। वैसे इफ पॉसिबल टेक अ एंड्रॉइड फोन, इट विल बी इजियर फॉर यू, बट इफ यू डू नॉट हैव एनीथिंग, वी हैव अ कंप्यूटर लैब्स डाउन इन द बेसमेंट, हैव यू सीन इट? उसको जाके देख लो यहाँ सेल्फ अभी। और पता है जैसे यहाँ पे आ गए घर पे, अभी शुरुआत में थोड़ा अकेला अकेला लगे, तो क्या नीचे बैठने की जगह है? शाम आसपास रहते हो सब लोग? अभी वैसे भी लोड ज्यादा नहीं है, बैचेस अभी पहले ही आया है ना, तो आपको अगर लग रहा है कि आपको कोई तकलीफ हो रही है या घर पे थोड़ा कम मन लग रहा है तो यहाँ पे आके बैठ के पढ़ो, क्या दिक्कत है? आराम से पढ़ो, हम खुश है, आगे पढ़ो, यहीं की लाइट पंखे चलाओ ना, क्या दिक्कत है? खुद के बिजली के पैसे बचाओ। कल हाँ यार, पहले तो सोच रहा था घर पे पढ़ूंगा, अब हाँ यार ये काम की बात। चलिए बाय कन्याओं, बाय बोलो, प्रेम से बोलो।